हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग? होप करते हैं कि अच्छे होंगे। तो गाइज, आपका भाई फिर से एक न्यू वीडियो लेकर वापस आ चुका है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। क्योंकि आप लोग का एक बहुत ही बड़ा डाउट कब से चल रहा है, जो कि भैया 15 फेब से हम लोग का एग्जामिनेशन होगा बोर्ड 23, या फिर नहीं, अगर होगा तो कौन सा सब्जेक्ट पहले होगा। तो गाइज, मैं तो आपका बोलूँगा कि भाई आपका 15 फेब से एग्जामिनेशन है ही नहीं। तो यस गाइज, सीबीएसई का जो लेटेस्ट सर्कुलर आया है उसके अकॉर्डिंग आपको हम बताएं तो गाइस, 15 फरवरी से आप लोग का जो कि एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है, जैसे जो भी लोग म्यूजिक के लिए रहते हैं या फिर बाकी अदर सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कंप्यूटर हो गया, और भी बहुत सारा बेसिक सब्जेक्ट्स होता है जो कि मेन सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, ये सब के छोड़कर जो भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जो कि स्टूडेंट लेते हैं अपनी प्रैक्टिकल्स या फिर प्रैक्टिस के लिए, तो गाइस वो सारे सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन आप लोग का 15 फरवरी से होने जा रहा है। तो यस गाइस, ये बड़ी अच्छी बात कही है। आप लोग का जो मेन सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन है वो डेफिनेटली आपका मार्च में होगा, या फिर 28 या फिर 1 मार्च से आप लोग का मेन सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा, लेकिन डेफिनेटली आप लोग का जो भी सब मेन सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन है वो 15 फेब से नहीं होने जा रहा है। ये गाइज एक बहुत ही बड़ी अपडेट थी जो कि आप लोग को बताना है, आई थिंक हमको जरूरी लगा। गाइज एक और अपडेट है जो कि आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे, तो उस अपडेट के लिए भी आप लोग रेडी रहिएगा। अभी तक आप स्टडी विद तर्क सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे हिट कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए आपका भाई हमेशा कुछ ना कुछ न्यू अपडेट और लेके आता ही रहता है। तो गाइज चलिए, आप लोग को एक और बेसिक आप लोग को ये तो बता ही दी कि आपका 15 फरवरी से जो कि बेसिक सब्जेक्ट होता है, जैसे कि म्यूजिक बहुत सारे लोग ले रहते हैं या फिर बहुत सारा प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट होता है, उसका 15 फेब से एग्जामिनेशन होने वाला है, और मेन सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन आपका मार्च से ही स्टार्ट होने वाला है। मार्च के फर्स्ट वीक से आपका मेन सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा। तो गाइज चलिए, एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ आपके लिए लेकर आए हैं, वो भी अपडेट आपको बता देते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा एक न्यू ऐप के बारे में जो कि स्टूडेंट में काफ़ी जल्दी पॉपुलर होते जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, या कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा हो, कोर्स हो या जेईई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो उसका सोल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट को किसी भी समय क्लियर करें इन 3 स्टेप्स में। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फ़ोन नंबर से इजी साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चन का पिक्चर लें, सबमिट करें, और फिलो आपको 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड फिलो ना। सो गाइस चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं, आप लोग एक बहुत ही बेहतरीन चीज आपको बताते हैं जो कि आप लोग डेफिनेटली उस चीज को नहीं कर रहे हो अभी तक। तो गाइस जैसे कि आप लोग को पता है कि आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन होगा, चाहे मार्च में ही क्यों ना हो, लेकिन आपको पता है कि आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन होगा उसमें आप लोग का सारे तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि आप लोग का MCQ आ रहा है, केस बेस्ड क्वेश्चन, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। लेकिन गाइज आप लोग जो अपने अभी तक प्रैक्टिस कर रहे हो, बस लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, या फिर NCERT में जो क्वेश्चन दिया गया है बस उसी का आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन गाइज आपको बता दें कि आपको बस 40% लॉन्ग आंसर या फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ रहा है, लेकिन बाकी सारा जो केस बेस्ड क्वेश्चन या फिर सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आप लोग का उसका ही प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपका 60% मार्क्स तो आपका ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के अलावा जो भी क्वेश्चन है वो आपका एक्वायर कर रहे हैं। तो गाइज इसके लिए आपको पता है कि मार्केट में EDUCARD का बुक आया हुआ है, आप लोग इस बुक को परचेज कर लो। इस बुक का प्राइस अभी हाफ हो चुका है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप इस बुक को परचेज करो। 1800 का बुक आप लोग को बस आप लोग को 1200 या फिर 1300 में बुक मिल रहा है। तो गाइज मैं तो आपको बोलूँगा कि जब तक ये ऑफर चल रहा है आप उस बुक को परचेज कर लो, या फिर आप सिंगल बुक ही क्यों ना परचेज कर लो, लेकिन आप लोग इस EDUCARD के बुक को जरूर से जरूर परचेज करो। आप इससे प्रिपरेशन करो, आप डेफिनेटली अपने एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकोगे इस बुक के हेल्प से। तो गाइज यही था आज का अपडेट, आई होप आपका ये आज का ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे हिट कर दीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। बहुत